हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंह पर। मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हौसले बुलंद है तो मंजिलें खुद के सामने आती हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सभी अपनी स्टोरी शेयर करें। सर मैं अपनी जो फीस है ऐसे सोर्स से ले रहा हूँ, सर मेरे बहुत ही पुअर फैमिली से हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं जॉब कर रहा हूँ, सर मैं क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि जो बीपीएससी की आपकी जर्नी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपकी जो सर्विस मीन्स सेवा, यदि सर्विस का मतलब यदि देखें हम संस्कृत के अंदर सेवा होता है, जो आपकी सेवा आपने सोची है करने की, तो आपकी जो जर्नी है इसको वंडरफुल बनाना हमारा प्रयास रहेगा। आपने जो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स जो चुना है आपने, उसको कैसे आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए हमारी टीम लगातार आपके साथ जुड़ी रहेगी और बहुत ही कम फीस में। जी हाँ, आपने देखा हो कि हमने 12,000 रुपये सिर्फ, ओनली 12,000 रुपये सबसे कम फीस में, पूरे सबसे किसी भी ऑप्शन की सबसे कम फीस है ये। आज से पहले इतनी कम फीस में आपको कहीं भी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा और ना ही मिला है। और ये भी हमने बोला है कि यदि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यदि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि आपको अभी दिक्कत आ रही लोगों के अंदर, तो आप अपनी जो फीस है ईएमआई में पे करें, कोई जरूरत नहीं आपको इकट्ठी फीस पे करने की, तो आप ईएमआई में पे करें फीस, और अपनी जो सफ़र है जो आपका बीपीएससी 67 का, उसको स्टार्ट करें और क्यों ना खुश होकर स्टार्ट करें। और आपकी जो जो सपने हैं उनको पूरा करना हमारा काम रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो बीपीएससी ऑप्शनल स्कोर है 200+ मिनिमम रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज वेरी वंडरफुल, मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, हाईली स्कोरिंग है। यदि आप अभी तक हमारे क्लासेस देखें, अभी हमने दो बैच स्टार्ट किए हैं, एक 14 जून को किया था, एक कल स्टार्ट किया था 23 को, और अभी 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। मेन बात जो देखने की, आपने देखा होगा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, बट इट इज़ वेरी इजी। यदि अभी तक भी हम बात करें 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, आप देखें ऑर्डिनरी डिफेंसिव क्वेश्चन पे 25 क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन आता ही आता है, और ऐसे यदि बात करें हमारे पास 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केले मिल्टन दोनों पे, आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, तो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मतलब कि 1/6 ऑफ ऑप्शनल आप 10 दिन में तैयार कर सकते हैं। अभी हम बात करें न्यूमेरिकल कैसे तैयारी करोगे आप, पीडी की तैयारी कैसे करोगे आप, एलजेब्रा, ग्रुप एंट्रिंग, सारे जो पार्ट हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। आपको करना है क्या, जस्ट हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको कोई क्वेरीज है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप ये नंबर है, व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह जानकारी हमारी वेबसाइट www.gautamsinha.com पर अवेलेबल है। आपका जो सपना है, जो आपने सोचा है कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है, हमने कहा है कि आस्क योर एनी क्वेरी, आस्क अस बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑनलाइन कोचिंग के रिगार्डिंग, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है आप हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करने वाली है। हमने बहुत ही कम फीस में कोर्स प्रोवाइड किया आपको, और इतने कम फीस के अंदर डिजिटल बोर्ड पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, डेट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हमने प्रयास किया आपको पॉसिबल करने का। आप अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें, और लगता है कि दिक्कत आ रही, फील विट शेयर, अपनी फीस किस्तों में पे करें, ईएमआई में पे करें, और आपका जो सफ़र है सुहाना सफ़र है उसको स्टार्ट करें और इन्जॉय करें। ये मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी जो सपने हैं उनको कभी भी रुकना दें, क्योंकि मैं मानता हूँ दुनिया में यदि आपको आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती, दुनिया में आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। यदि आप निश्चय करेंगे कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को बीपीएससी क्लियर करना है और ऑप्शन में स्कोर अच्छा करना है, यदि आप देखें 200-300 मार्क्स में से 200+ तो आप आराम से कर सकते हैं। और पिछले साल दो साल में देखोगे आप विद्यासागर 288+ आपका 280 उनका स्कोर है, 280+ स्कोर है, तो इतना अच्छा स्कोर विद ऑप्शनल मैथ्स से कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन के साथ इतना बढ़िया स्कोर करना डेट इज़ नॉट पॉसिबल। आप मैथ्स आ जाएंगे आपको 200+ डेफिनेट कर पाओगे। मीडियम वाली कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश हिंदी वाली, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपको मैटर ही नहीं करता इंग्लिश हिंदी मीडियम। न्यूमेरिकल है, इससे पहले उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था आपको हमारे यूट्यूब पे भी, आप देखें कि आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मैटर ही नहीं करता कहीं भी, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपकी जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टाइज है, जो आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कैसी, परफेक्ट प्रैक्टिस, ये चीज़ें मैटर करती हैं। यदि आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो आपको बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स में आप डेफिनेटली जितना सोचा है आपने उससे कहीं ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू एनी अनदर ऑप्शनल, किसी भी दूसरे ऑप्शनल के मुकाबले आप बीपीएससी में हमेशा अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो आप हम बात करें बीपीएससी ऑप्शन मैथमेटिक्स की ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, दो बैच स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हमें बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व की बात है कि आपका विश्वास हमारे साथ है और आपका जो प्यार है हमें लगातार मिला है। इसके लिए बार बार आपका हमारी टीम की तरफ से बहुत ही गहरे दिल से धन्यवाद आपका। आप हमारे सितारे हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा प्रयास रहेगा आपको जितना आपने सोचा है, जो आपने हमारे से उम्मीद ली है कि आप सर हमारी हेल्प करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको हम देने का प्रयास करेंगे, मेरा आपसे वादा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हम बात करेंगे 64th बीपीएससी का 4th का बी पार्ट, जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व करते हैं आज हम बात करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट, आइए आप 64th ऑप्शनल मैथमेटिक्स बीपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर है 4th का बी, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसके स्टेट में बात करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ डेट इज डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन 4th का बी पार्ट, कौन सा क्वेश्चन है 64th बीपीएससी का पार्ट है ये ऑप्शनल मैथमेटिक्स का। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या हमारे पास, सोल्व करो आप डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हमारे पास, डी की फोर माइनस 16 इंटू वाई इक्वल टू देखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ई की एक्स, जहां पे हमें गिवन है डी इक्वल टू क्या हमारे पास डी का मीन्स क्या है डी बाई डी एक्स, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि डी का मतलब डी बाई डी एक्स होता ही होता है। हमें सोल्व करना है गिवन इक्वेशन है डी की फोर माइनस 16 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ई की एक्स, सोल्व कैसे करोगे आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला जो काम होता है हमारे पास किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंस को सोल्व करना है, तो सबसे पहला जो काम होता है हमें सिंबॉलिक फॉर्म गिवन होती है, दी है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अब गिवन क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, आप करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, आपने लास्ट क्लास में बात की थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वाई को जीरो पुट कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है डी की फोर माइनस 16 इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, आप लिखेंगे डी का स्क्वेयर सिर्फ सकते हैं माइनस 4 का स्क्वेयर। ठीक है जी, हमने क्या लिखा डी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। अब आपको फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होती है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब यदि बात करें नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारे पास, आप अगेन फैक्टराइज करोगे इसको, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसको लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट दिस एज, हम क्या लिख देंगे इसको डी स्क्वेयर माइनस 4 आइटस लिख सकते हैं इसको इंटू डी स्क्वेयर प्लस माइनस 4। हमने क्या लिखा 4 को लिख सकते हैं आइटस को मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको पता है कि आइटस स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होता है, तो 4 लिख दिया 4 आइटस स्क्वेयर माइनस लगा दिया पहले, तो माइनस माइनस प्लस चीज है तुम्हारा हमारे पास, तो किसके लिख देंगे इसको लिख देंगे डी स्क्वेयर माइनस 2 आइटा का होल स्क्वेयर, इसको लिख देंगे यहाँ पे डी स्क्वेयर माइनस 2 का होल स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। अगेन सेम आइडेंटिटी अप्लाई करोगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा हमारे पास इट इज इक्वल टू डी प्लस 2 आइटा इंटू डी माइनस 2 आइटा, सेम यहाँ क्या होगा डी प्लस 2 होगा और डी माइनस 2 होगा इक्वल टू जीरो। तो डी वैल्यू के बारे में बात करें तो क्या आएगी डी वैल्यू माइनस 2 आइटा प्लस 2 आइटा 2 और माइनस। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, डी की 4 माइनस 16 इनटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस सी की एक्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली क्या थी हमारे पास एक्स की 4 डी की 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या था डी की 4 के इक्वल होता है माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए की जगह डी का स्क्वेयर बी की जगह 4, तो डी का स्क्वेयर प्लस 4 डी का स्क्वेयर माइनस 4। अब यदि बात करें सोल्व करें हमारे पास क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट, हमने दिया डी स्क्वेयर प्लस 4 था माइनस 4 आईटा स्क्वेयर, क्योंकि आईटा स्क्वेयर माइनस इक्वल होता है माइनस माइनस दोबारा डी स्क्वेयर प्लस 4 बन जाएगा, तो डी स्क्वेयर माइनस 4 आईटा स्क्वेयर ये था ही डी स्क्वेयर माइनस 4 था, डी माइनस 2 अगेन फॉर्मूला लगा दोगे ये 2 आइटा होल स्क्वायर होगा ये 2 का स्क्वायर दिया, अगेन फॉर्मूला क्या होगा डी प्लस 2 आइटा इंटू डी माइनस 2 आइटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम यहाँ पे क्या होगा हमारे पास डी प्लस 2 इंटू डी माइनस 2, तो डी को क्या आएंगे प्लस 2 आइटा माइनस 2 आइटा 2 एंड माइनस 2। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं जो डी वैल्यू है वो रियल भी आई है हमारे पास और इमेजिनरी भी आए हैं, तो
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि बात करें सोल्यूशन क्या आएगा, इट मीन्स जो सोल्यूशन आर सी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं सी एफ। सी एफ क्या होगा, यदि हमारे पास रियल वैल्यू आती है सी और अलग आती है टू और माइनस टू, तो क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। और यदि वैल्यू आती है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप की, इमेजिनरी वैल्यू आती है प्लस माइनस के साथ, तो क्या होगा सी थ्री कॉस ऑफ टू एक्स प्लस सी फोर साइन ऑफ टू एक्स। ये आप स्टडी कर चुके डिटेल में, यदि हमारे पास रियल वैल्यू आती है सेम आती है वैल्यू तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यदि इमेजिनरी वैल्यू आती है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप वैल्यू आती है तो सोल्व होता है सी थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी फोर साइन टू एक्स। ठीक है, सी एफ क्या होता है सी वन इक्वल टू एक्स प्लस सी टू इक्वल माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी फोर साइन टू एक्स। ये हमारे पास क्या है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। इसके बाद बात करनी है हमें पी आई के बारे में। पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, राइट साइड टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो राइट साइड क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो पी आई निकालने क्या होगा, इट मीन्स यदि बात करें पी आई के बारे में, यदि हम पी आई निकालें, पी आई मीन्स क्या होता है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल तो क्या होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन में डी की फोर माइनस सिक्सटीन, वन अपॉन जो डी की टर्म होते हैं कॉन्स्टेंट उसके नीचे लिखते हैं, वन अपॉन डी की फोर माइनस सिक्सटीन, वन अपॉन डी की फोर माइनस सिक्सटीन। राइट साइड जो टर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस सी की एक्स, क्या हमारे पास टर्म डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस सी की एक्स, लिख दो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस सी की एक्स। ठीक है जी, इधर ही आ जाइए। अब हमारे पास क्या हुआ, दो क्वेश्चन बन गए हमारे पास, किस तरह के, एक तो एक्स स्क्वायर टर्म लिख कर करेंगे और एक करेंगे सिंपल एक एक्स वाला। तो कैसे करेंगे, देखो एक ही एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई डी की फोर माइनस सिक्सटीन माइनस ई की एक्स बाई डी की फोर माइनस। ठीक है जी, अगेन आपको पता ही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर हो तो डी से पुट करते हैं एक्स का कोफिशिएंट जो भी है, इक्की एक्स में जो भी एक्स का कोफिशिएंट ए है वो पुट करते हैं। ए क्या है, वन है, इक्की पार एक्स हो तो ए पुट करते हैं डी की जगह, तो इक्की पार एक्स अकेला है कोफिशिएंट वन है तो डी से पुट कर देंगे तो हो जाएगा। अब यदि पॉलीनोमियल फंक्शन होता है हमारे पास तो क्या सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है वन प्लस डी की पार माइनस वन या वन माइनस डी की माइनस वन फार्मूला। देखो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दो फार्मूले पढ़े थे आपने, वन प्लस डी की माइनस वन फार्मूला क्या होता है, ये कब जरूरत पड़ती है यदि हमारे पास क्या हो पॉलीनोमियल फंक्शन हो। फार्मूला क्या होता है, वन प्लस डी माइनस फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी क्यूब एंड सो। ठीक है, अगेन वन माइनस डी माइनस फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस डी स्क्वेयर माइनस, सॉरी प्लस आएंगे सारी जगह। ठीक है, हमने क्या कहा कि यदि हमारे पास किसी भी पी आई के अंदर पॉलीनोमियल फंक्शन आता है तो हमें हमेशा वन प्लस डी की पावर माइनस वन या वन माइनस डी की माइनस वन का फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस डी माइनस होता है वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा और वन माइनस डी में क्या होता है माइनस में सारे पॉजिटिव आते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन में डी की फोर माइनस सिक्सटीन, क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास था एक्स स्क्वायर अपॉन में डी की फोर माइनस सिक्सटीन था, यहाँ पे क्या था माइनस में e की x by d की 4 minus 16, e की x by में d की 4 minus 16, ठीक है जी। अभी आप बात करें हमारे पास क्या होगा, minus 16 common नीचे लेने, क्या लेने x square था ऊपर नीचे लेने minus 16 common लेने, तो क्या बचेगा 1 minus d की 4 by 16, ठीक है, minus e की x by d की 4 minus 16, ठीक है जी। हमने क्या किया minus 16 common ले लिया तो क्या होगा 1 माइनस डी की फोर बाई सिक्सटीन होगा। ठीक है जी, सिंपल हमने क्या किया माइनस सिक्सटीन कॉमन ले लिया, वन माइनस डी की फोर बाई सिक्सटीन आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें आप, दोबारा क्या हमने टर्म माइनस सिक्सटीन प्लस डी की फोर, तो ये तो हमारे पास थी टर्म। तो आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पे जब भी इस तरीके के साथ है तो आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे आप, माइनस जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होती है माइनस सिक्सटीन है माइनस फाइव है प्लस फाइव है जो भी है उसको बाहर निकाल दोगे। निकालने के बाद बात करें हमारे पास क्या नेक्स्ट क्या होगा, माइनस वन बाई सिक्सटीन दो बार आ गया हमारे पास, ये जाएगी ऊपर जाके वन माइनस डी की फोर बाई सिक्सटीन, ऊपर जाएगी माइनस वन पावर बन जाएगी, नीचे क्या थी प्लस वन पावर, माइनस वन पावर बनेगी, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर था माइनस ई की एक्स बाई क्या होगा डी से वन पुट कर देंगे, वन की फोर क्या होता है वन माइनस सिक्सटीन। ठीक है जी,
अब यहाँ क्या होगा माइनस वन बाई सिक्सटीन मल्टीप्लाई करो आप इस फॉर्मूला खोल पहले वन माइनस डी की माइनस वन फॉर्मूला क्या था हमारे पास अभी हमने बात की थी क्या था वन माइनस डी की पार माइनस वन फॉर्मूला क्या था हमारे पास इट वाज वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन तो क्या होगा वन प्लस डी की फोर बाई सिक्सटीन प्लस डी की फोर बाई सिक्सटीन का स्क्वेयर एंड सो इंटू क्या एक्स स्क्वेयर माइनस ई की एक्स बाई में क्या होगा वन की फोर वन होता है वन माइनस सिक्सटीन का माइनस फिफ्टीन होगा ठीक है जी नेक्स्ट की बात में हमारे पास क्या होगा माइनस वन बाई सिक्सटीन एक्स को टेन तक करो आप एक्स स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे अब डी की फोर हम देखते चार बार डायरेटिव एक्स की टू का एक्स की टू का डायरेटिव एक बार कितना टू एक्स होगा देखो हमारे पास एक्स का डायरेटिव क्या होता है हमारे पास टू एक्स होता है दबा के लिए टू होगा दबा के जीरो हो जाएगा तो चार डेरेटिव के बाद जीरो टर्म हो जाएगी इसको छोड़ देते हैं हम प्लस जीरो और ये क्या आठ डेरेटिव हो गए डी की फोर का उससे क्या होता है एट तो आठ डेरेटिव वैसे जीरो हो जाएगी तो साइड टर्म जीरो माइनस ई की एक्स बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिफ्टीन ठीक है जी तो हमारे पास जो पी आई आया पी आई क्या आया हमारे पास देयरफॉर जो पी आई आया हमारे पास वो किसके को आया एक्स की स्क्वेयर यदि बात करें हमारे पास क्या है पी आई इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स स्क्वेयर बाई सिक्सटीन प्लस ई की एक्स बाई तो ये हमारे पास क्या है पी आई आया ठीक है जी ये हमारे पास क्या है पी आई आया हमारे पास क्या है डी की माइनस एक्स बाई सिक्सटीन प्लस ई की एक्स बाई फिफ्टीन ठीक है जी अब बात करते हैं हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बारे में क्या बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास इट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है जी ये होता है तो सी एफ क्या था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था सी वन इक्वल टू एक्स प्लस सी वन इक्वल टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री कोस टू एक्स प्लस सी फोर साइन टू एक्स प्लस पी आई पी आई क्या था हमारे पास अभी माइनस एक्स स्क्वायर सिक्सटीन प्लस इक्वल एक्स बाई फिफ्टीन ये हमारे पास क्या आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ठीक है जी इस तरीके से आप बहुत सारे जो एक 25 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आता है या आपके हर बार बीपीएससी के अंदर हर बार आता है क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है हमारे पास लास्ट एग्जाम में 64th एग्जाम के अंदर आया हुआ है ठीक है तो क्या था क्वेश्चन के बारे रिपीट करें दोबारा डी की फोर माइनस सिक्सटीन इंटू वाई इक्वल टू एक्स को सी की एक्स देखा है राइट साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और क्या पॉलीनोमियल फंक्शन भी है तो सबसे पहले क्या करते हैं यदि कोई भी डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो पहला काम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना डी की फोर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो किया यहाँ से हमें डी की निकालनी है चार डिग्री इक्वेशन है डिग्री डी के अंदर तो क्या करेंगे डी स्क्वायर उसके लिए दिया फोर का उसके लिए दिया इसको रिड्यूस करके हम चार फैक्टर बनाएंगे डी की वैल्यू निकालेंगे सिंपल किया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दो बार किया है एक बार यहाँ पे किया ए का बी स्क्वेयर का स्क्वेयर डी की फोर होता है फोर का स्क्वेयर क्या होता है सिक्सटीन होता है अप्लाई किया यहाँ पे तो यहाँ पे गेन क्या होता है फोर लिखते हैं माइनस फोर लिख सकते हैं इंटू माइनस वन आइटा स्क्वेयर का माइनस वन इक्वल होता है पुट कर दिया डी का स्क्वेयर माइनस टू आइटा का स्क्वेयर इक्वल यहाँ पे था डी स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर ठीक है जी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास सीधी बात करें डी प्लस टू आइटा डी माइनस टू आइटा डी प्लस टू डी माइनस टू तो डी वैल्यू क्या आई चार वैल्यू आई प्लस टू माइनस टू प्लस टू आइटा माइनस टू आइटा आगे चार वैल्यू अब यदि डी वैल्यू दो रियल हैं दो इमेजिनरी हैं इमेजिनरी में भी यदि बात करें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप वैल्यू है तो सॉल्यूशन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन इक्वल टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू एक्स प्लस सी थ्री कोस टू एक्स प्लस सी फोर साइन टू एक्स होता है हमारे पास बात करते हैं पी आई के बारे में पी आई क्या होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट साइड की टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं सोल्व करने के लिए तो हम क्या कहते हैं वन बाई डी की फोर माइनस सिक्सटीन इंटू था एक्स के माइनस इक्की एक्स राइट साइड में अब क्या लिखा हमने एक्स के चल लिख दिया इक्की एक्स के चल लिख दिया टर्म को लिख दिया अब आपके पास दो फार्मूलाज थे हम पढ़ चुके हैं वन प्लस डी की माइनस वन का और वन माइनस डी की माइनस वन का ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये फार्मूला यूज तब करना है यदि हमारे पास पॉलीनोमियल फंक्शन पी आई में हो अब पी आई में क्या एक्स स्क्वायर पॉलीनोमियल फंक्शन है तो हमें वन प्लस डी की पावर माइनस वन या वन माइनस डी की माइनस वन फॉर्मूला लगाएंगे वन प्लस डी माइनस वन फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब एंड सो ऑन सेम वन माइनस डी की माइनस वन फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ठीक है जी अब यदि बात करें हमारे पास ये चीज़ें आगे इसके बाद आने के बाद यदि बात करें क्या होगा हमारे पास
यहाँ तक आने के बाद हमने क्या करना है, इसको दोबारा लिख दिया एक्स के बाई डी की फॉर्मेट 16 माइनस सी की एक्स बाई डी की फॉर्मेट 16 लिख दिया। अब ये रहती है आइडेंटिटी, अब एक्स की चलिए 160 कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 प्लस टी या 1 माइनस टी बनाना है तो कैसे करेंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, माइनस 16 बाहर निकाल दिया, 1 माइनस डी की फॉर्मेट 16 मल्टीप्लाई कर, देखिए आप दोबारा वही टर्म बननी चाहिए हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ आइडेंटिटी लिख दिया। अब ये बन गया 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 बन गया, तो हमने 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन मल्टीप्लाई कर दिया अंदर एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर, डी की फॉर मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 बार डेरिवेटिव तो 2 बनता है, तो दोबारा 0 हो जाएगा, तो ये साइड टर्म 0 होगी, और ये की एक्स बाई डी के सिंपल 1 पुट कर दिया, 1 की 4 1 माइनस 16 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 ये क्या गया पी आई, इट इज इक्वल टू पी आई, इट इज इक्वल टू पी आई, यही आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, डेट इज इक्वल टू क्या होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था सी वन इक्वल टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू एक्स प्लस सी थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी फोर साइन टू एक्स जो निकाला था प्लस पी आई अभी निकाला है जो क्या था माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस सी एक्स स्क्वायर 15। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमारा प्रयास है आपको कहीं भी किसी प्रकार की कहीं भी दिक्कत आए समझने में, और आपको प्रयास है कि आपने जो सोचा है जो आपके सपने उनको पूरा कर सके जितना हो सकता है, तो प्रैक्टिस कर लिख के देखें लगता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।